गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एटीएम रेफरेंस मॉडल. सो फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ एटीएम रेफरेंस मॉडल. द एटीएम आर्किटेक्चर यूजेस अ लॉजिकल मॉडल टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी दैट इट सपोर्ट्स. एटीएम फंक्शनैलिटी करस्पॉन्ड्स टू द फिजिकल लेयर एंड पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर of the OSI reference model. The plane is responsible for generating and managing signal requests. Basically ATM reference model जो है इसमें तीन layers होते हैं, physical layer, ATM layer, ATM adaption layer. सामने आपको diagram में दिख रहा है. इसके ऊपर higher levels होते हैं, पीछे कुछ plane होंगे, user plane, control plane, management plane. OSI लेयर से अगर हम कंपेयर करें ATM रेफरेंस मॉडल को, तो ये इक्विवेलेंट होता है OSI लेयर के नीचे के जो दो लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के इक्विवेलेंट ये मॉडल है. अभी मैंने बताया इस ATM रेफरेंस मॉडल में तीन तरह के प्लेन होते हैं. इसमें टॉप पे देखें अगर आप डायग्राम में, उसमें दिख भी रहा है यूज़र प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन, और सबसे पीछे है मैनेजमेंट प्लेन. सो वी कैन से दैट द एटीएम रेफरेंस मॉडल कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन्स, कंट्रोल प्लेन, यूज़र प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन. कंट्रोल प्लेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मैनेजिंग सिग्नलिंग रिक्वेस्ट. कंट्रोल प्लेन जो होता है वो मैनेज करता है सिग्नलिंग रिक्वेस्ट को, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यूज़र प्लेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा. यूज़र प्लेन डेटा ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे मैनेज करता है. सबसे लास्ट में जो हमारा मैनेजमेंट प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ लेयर मैनेजमेंट, सेकेंड इज़ प्लेन मैनेजमेंट. तो पहले मैं लेयर मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ. लेयर मैनेजमेंट मैनेजेस लेयर स्पेसिफिक फंक्शन. लेयर मैनेजमेंट जो है लेयर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को मैनेज करता है, जैसे डिटेक्शन ऑफ फेल्योर्स एंड प्रोटोकॉल प्रॉब्लम्स. जो फेल्योर्स है उसको डिटेक्ट करता है, और प्रोटोकॉल की जो प्रॉब्लम्स है उसको मैनेज करने का काम लेयर मैनेजमेंट करेगा. इसके बाद नेक्स्ट इज़ प्लेन मैनेजमेंट. प्लेन मैनेजमेंट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स फंक्शंस रिलेटेड टू द कंप्लीट सिस्टम. अगर प्लेन मैनेजमेंट वाले ब्लॉक को देखें, ये बीचों बीच में है, सभी ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और पूरे सिस्टम के फंक्शंस को मैनेज करने का काम प्लेन मैनेजमेंट का होगा. अब हम बात करते हैं जो हमारे थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स ATM रेफरेंस मॉडल के हैं, फिजिकल लेयर, ATM लेयर एंड ATM अडेप्शन लेयर. इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम लोग फिजिकल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे बॉटम पे जो लेयर है फिजिकल लेयर, और ये लेयर OSI मॉडल के फिजिकल लेयर के इक्विवेलेंट होता है. जैसे OSI लेयर के OSI मॉडल में फिजिकल लेयर का जो वर्क था वही वर्क यहाँ पर भी होगा. सो सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू फिजिकल लेयर इज, इन फिजिकल लेयर सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ बिट स्ट्रीम. जैसा कि मैंने पहले बताया था, एटीएम में, एटीएम सेल में 53 बाइट्स होते हैं. ये जो फिजिकल लेयर का काम होगा सेल्स को कन्वर्ट करने का बिट स्ट्रीम में. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन एंड रिसिप्ट ऑफ बिट्स ऑन द फिजिकल मीडियम आर कंट्रोल. बिट्स का जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग होगा ये कंट्रोल करने का काम भी इसी फिजिकल लेयर का होगा. फिजिकल लेयर दो तरह के होते हैं, फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर, ट्रांसमिशन लेयर. ट्रांसमिशन लेयर या ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस, दो तरह के फिजिकल लेयर होंगे. जो पहला है फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर, इसको हम लोग PMD लेयर भी कहेंगे, और नेक्स्ट ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस को TC लेयर कहते हैं. तो पहले हम लोग PMD लेयर की बात करेंगे. PMD लेयर
इट इंटरफेस टू द एक्चुअल केबल, इट स्पेसिफाई द फिजिकल मीडिया, इट डील्स विथ वोल्टेज बिट टाइमिंग। पीएमडी लेयर जो होगा फिजिकल लेयर का टाइप है, पीएमडी लेयर का काम होगा ये एक्चुअल केबल से इंटरफेस करता है। अगर एक्चुअल केबल में कोई कनेक्टर वगैरह यूज़ किया जाए उसको भी इंटरफेस करने का काम ये करेगा, और वोल्टेज बिट टाइमिंग को भी डील करने का काम पीएमडी लेयर का होता है। नेक्स्ट इज टीसी लेयर, ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस लेयर। इस लेयर का काम होगा कन्वर्ट बिट स्ट्रीम टू सेल स्ट्रीम फॉर एटीएम लेयर। ये बिट स्ट्रीम को सेल स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है एटीएम लेयर के लिए। कन्वर्ट्स एटीएम सेल इनटू फ्रेम्स, और एटीएम सेल को फ्रेम में भी कन्वर्ट करने का काम करेगा, बाद में फ्रेम से सेल में भी कन्वर्ट करने का काम टीसी लेयर का होता है। फिजिकल लेयर को हम लोगों ने डिस्कस किया, टू टाइप्स के थे, दोनों की वर्किंग को पढ़ा। अब फिजिकल लेयर के ऊपर आता है एटीएम लेयर। अब एटीएम लेयर को डिस्कस करेंगे। एटीएम लेयर का जो बेसिक फंक्शन होगा राउटिंग का, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्विचिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग सर्विसेज, यही तीन बेसिक वर्क्स हैं इसके। राउटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्विचिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सर्विसेज। एटीएम लेयर का एक और काम हम कह सकते हैं, एटीएम लेयर प्रोसेस आउटगोइंग ट्रैफिक बाय एक्सेप्टिंग 48 बाइट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 53 बाइट्स। ये एटीएम लेयर आउटगोइंग ट्रैफिक को भी प्रोसेस करने का काम करता है 48 बाइट को एक्सेप्ट करके। टॉप मोस्ट लेयर इज एटीएम अडैप्शन लेयर। एटीएम अडैप्शन लेयर दो तरह का होता है, टू टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज SAR, सेकंड इज CS। SAR मींस सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। एटीएम अडैप्शन लेयर टू टाइप्स के होंगे, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली और कन्वर्जन सब लेयर। तो पहला जो टाइप है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, इसका काम होगा प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम अपर लेयर सर्विसेज एंड मैप देन इनटू फिक्स्ड साइज्ड एटीएम सेल एट रिसीवर। दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड एंड सेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड प्लेस्ड टू द रिसीविंग सर्विसेज। नाम से क्लियर है, सेगमेंटेशन रीअसेंबली। SAR ब्लॉक का काम होगा पहले सेगमेंटेशन करना, बाद में उसको रीअसेंबल करना। पहले ये क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करके उसको सेगमेंट करेगा, उसकी साइज़ को फिक्स करेगा एटीएम सेल के थ्रू, बाद में उसी को रीअसेंबल करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज कन्वर्जन सब लेयर। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस लाइक फाइल ट्रांसफ़र, वीडियो ट्रांसफ़र एट्सेट्रा। अभी हम लोगों ने एटीएम रेफरेंस मॉडल के सभी ब्लॉक को डिस्कस किया है। जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ रिटर्न फॉर्म में है। जो डायग्राम आपके साथ शेयर किया था वो डायग्राम यहाँ पर आपके सामने है। तीन लेयर हैं, फिजिकल लेयर, एटीएम लेयर, एटीएम अडैप्शन लेयर। टॉप मोस्ट लेयर इज अपर लेयर। थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन्स, यूज़र प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन। नेक्स्ट, अब वन बाय वन यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लेन की बात करते हैं। दिस प्लेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मैनेजिंग सिग्नलिंग रिक्वेस्ट्स। यूज़र प्लेन, दिस प्लेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। मैनेजमेंट प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज लेयर मैनेजमेंट, सेकेंड इज प्लेन मैनेजमेंट। लेयर मैनेजमेंट मैनेज लेयर responsible function या layer related function such as detection of failures and protocol problems, whereas plane management manages and coordinates function related to complete system. ATM reference model consists of following ATM layer. Three types of layer of ATM reference model are physical layer, ATM layer, ATM adaption layer. So firstly we will discuss physical layer. Physical layer analogs to physical layer of OSI model. In physical layer, cells are converted into bit stream. And the most important thing of physical layer is physical layer
ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ बिट्स ऑन द फिजिकल मीडियम आर कंट्रोल्ड. फिजिकल लेयर आर टू टाइप्स, फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर एंड ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस. फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड PMD लेयर. इन शॉर्ट वी कैन से PMD लेयर, फिजिकल मैनेजमेंट डिपेंडेंट लेयर. PMD लेयर इंटरफेस टू द एक्चुअल केबल. इट स्पेसिफाइज द फिजिकल मीडिया फॉर द फिजिकल मीडियम यूज्ड इंक्लूडिंग कनेक्टर टाइप्स एंड केबल. इट डील्स विथ वोल्टेज बिट टाइमिंग. नेक्स्ट इज TC लेयर. TC लेयर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस लेयर. TC लेयर कन्वर्ट्स बिट स्ट्रीम टू सेल स्ट्रीम फॉर ATM लेयर. इट कंट्रोल्स ATM सेल्स इनटू फ्रेम एक्सेप्टेबल टू द पर्टिकुलर फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट लेयर इज ATM लेयर. द बेसिक फंक्शंस ऑफ ATM लेयर इज राउटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्विचिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग सर्विसेज. एंड ATM लेयर प्रोसेसेस आउटगोइंग ट्रैफिक बाय एक्सेप्टिंग 48 बाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 53 बाइट सेल बाय एडिंग ऑफ 5 बाइट्स हेडर. लास्ट लेयर इज ATM अडेप्शन लेयर. ATM अडेप्शन लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, SAR एंड CS. SAR सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, CS कन्वर्जेंस सब लेयर. सो SAR लेयर सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम अपर लेयर सर्विसेज एंड मैप देम इनटू फिक्स्ड साइज ATM सेल्स. नेक्स्ट एट रिसीवर दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड एंड सेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड पास्ड टू द रिसीविंग सर्विसेज. कन्वर्जेंस सब लेयर प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. That is file transfer, videos, etc. Thank you.